नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी कर में। देखिए, हमने एक सीरीज स्टार्ट किया, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए हमने तैयार किया जिनका पेपर एनटीपीसी का इस मंथ ही लगा हुआ है, मई के महीने में ही लगा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको 10 दिनों के अंदर लगभग लगभग 1000 से 800 क्वेश्चन करा दिए जाएँ, ताकि जब आप पेपर देने जाएँ तो आपको इस सीरीज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। जीएस सेक्शन को लेकर कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये करना है जब भी आप खाली समय होता है आप इस वीडियो को देखें, 2-3 बार जब आप रिवाइज़ कर लेते हैं इस वीडियो को तो लगभग लगभग सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। पेपर में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना करना है इस सीरीज को बार बार देखना है। बाकी एलुशन को हम ऑलरेडी कर रहे हैं कवर, और उसमें हम एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम ऑब्जेक्टिव के थ्रू करने की कोशिश करेंगे ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन कम समय में कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज, आंसर इसका है डी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर दो है, क्वेश्चन नंबर दो ये कह रहा है, द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम, मतलब क्या है, 1857 की क्रांति के बाद जो शासन करने का तरीका था उसमें क्या बदलाव आ गया था। 1857 क्रांति से पहले जो शासन चल रहा था वो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, लेकिन 1857 क्रांति के बाद क्या होता है, जो शासन है भारत का वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है, जिसका आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे फायर द फर्स्ट शॉट ऑफ 1857 रिवोल्ट एट, तो मंगल पांडे ने जो विद्रोह शुरू किया था वो कहाँ से किया था, तो आंसर इसका क्या है, बैरकपुर, ये आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर चार है, क्वेश्चन नंबर चार कहता है 1857 नॉट एसोसिएटेड विद रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब इनमें से किन्हों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, इसका आंसर है ए, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँच है, क्वेश्चन नंबर पाँच है, वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट ब्रिटिश इज, रानी लक्ष्मीबाई, सबको पता रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर छः है कि सिपोही म्यूटिनी किस साल हुआ था, तो 1857 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग नेटिव रूलर, हु अमंग द फॉलोइंग दीज नेटिव रूलर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन रिवोल्ट ऑफ 1857, तीन में से कौन है जिन्होंने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो आपको पता है कन्वर सिंह ने लिया था कहाँ से, बिहार से, नाना साहब ने पार्टिसिपेट किया था कानपुर में, ठीक है, ये ग्वालियर और हैदराबाद का तो कुछ लेना देना ही 1857 की क्रांति से, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर एट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है कि आपको इस साइड में लीडर का नाम दे रखा है और इन्होंने ऑपरेशन किस एरिया में चला के रखा है ये दे रखा है, आपको मैच करना है। आपको पता है कि जो मौलवी अहमद शाह थे उन्होंने फैजाबाद से लीड किया था, फिर दूसरा आपको मंगल पांडे, आपको पापी बताया मैंने बैरकपुर, बख्त खान दिया, बख्त खान का आपको पता होना चाहिए दिल्ली से इन्होंने लीड किया था, नाना साहब मैंने बताया आपको कानपुर से, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर नाइन है, ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल द सिपोही म्यूटिनी स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो सिपाही विद्रोह की शुरुआत किस जगह से हुई थी, आंसर क्या है इसका, डी, मेरठ से ही शुरुआत हुई थी इसकी। 9 क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आते हैं। देखिए, हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 10 है एक बुक के बारे में, जो बुक का नाम है वो है द मुगल लास्ट मुगल द फॉल ऑफ डायनेस्टी दिल्ली 1857, इस बुक को किसने लिखा था, आंसर इसका है बी, विलियम डलरिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कन्वर सिंह जो थे, कन्वर सिंह ने लीड किया था 1857 विद्रोह, कहाँ से मैंने अभी बताया आपको, बिहार से उन्होंने लीड किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस बाय द पोएट, किस कवि, मतलब किस कवि के ने 1857 की क्रांति के बारे में जिक्र किया है या जिन्होंने देखा है, तो ये गालिब, गालिब इसका आंसर सी है, 12 का आंसर क्या, सी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ब्रिटिश एनिमी, मतलब 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा दुश्मन ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई था, वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, उस 13 का आंसर ए है। 14 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग कमीशन, कौन सा कमीशन आया था, इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रिक्वायरमेंट, मतलब कहने हुआ क्या था एक्चुअल में कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि हमारी सेना में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय होने के कारण ही इस तरह का विद्रोह हुआ है, तो उन्होंने एक कमीशन 1857 की क्रांति के बाद लेकर आए थे जिनका उद्देश्य ये था कि आर्मी को पुनः, आर्मी का पुनः संगठन बनाया जाए, फिर से आर्मी को तरीके से किया जाए जिसमें इंडियंस की भागीदारी कम कर दी जाए
और ब्रिटिश की भागीदारी को बढ़ाई जाए। तो इसके लिए कमीशन जो आया था वो कौन था, पील कमीशन। तो आपसे ये पूछेगा पील कमीशन किससे जुड़ा हुआ है, तो आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन से। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर फ्रॉम, तो ये पता है आपको, गोरखाज, सिख, पंजाब इन द नॉर्थ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हेन डिड द क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। मैंने आपको भी बताया कि 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीन लिया गया था और ब्रिटिश क्राउन के पास शासन चला गया था। तो इसकी घोषणा, आधिकारिक घोषणा कब की गई थी, ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 को। क्वेश्चन नंबर 17 है द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ, मतलब लखनऊ में जो विद्रोह था उसको लीड कौन कर रही थी, सिंपल सा आंसर ए बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 18 इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बुक या किताब किसने लिखी थी, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, आंसर सी वीडी सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 19 है द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी। ये क्वेश्चन याद कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडर्न हिस्टोरियन, 20 नंबर क्वेश्चन, द मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी आंसर इसका सी होगा, वीर सावरकर ने की बात कही थी। हम क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए, 21 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। इन द इंस्टेंस वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मोहम्मदंस अगेंस्ट हिंदूज, मतलब ये क्वेश्चन है कि इस समय हम लोग क्या अगेंस्ट एक दो हिंदू मुस्लिम जो था उसके अगेंस्ट एक दूसरे को नहीं कर सकते। इसका आंसर सीधा है जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आंसर ए 1857 का रिवोल्ट के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है विच अमंग द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाई द रिवोल्ट ऑफ, देखो लखनऊ में चल रहा था विद्रोह, झांसी में झांसी रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह करी थी, जगदीशपुर में विद्रोह चल रहा था, एक चित्तौड़ जो था राजस्थान के लिए, यहाँ पर 1857 की क्रांति का किसी प्रकार का विरोध नहीं चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है विद द रेफरेंस ऑफ 1857 हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बिट्रेड बाई अ फ्रेंड, मतलब किसके 1857 के विद्रोह की क्रांति जब चल रही थी तो किसकी मृत्यु उसके दोस्त के धोखा देने के कारण हो गया था, तो ये थे टाटिया टोपे, इसका आंसर डी है, याद रखिए टाटिया टोपे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपोई म्यूटिनिटी, पहला ही आंसर इसका ए लॉर्ड कैनिंग थे, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर ए है लॉर्ड कैनिंग, जो क्वेश्चन है वो हमने पकड़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं मॉडरेट फेज की, और मॉडरेट फेज जो बेसिकली माना जाता है वो माना जाता है 1885 से लेकर 1905 का जो फेज था उसको मॉडर्न फेज माना जाता है। 1885 में INC की स्थापना हुई थी, उससे लेकर बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, उस फेज को बेसिकली माना गया मॉडरेट फेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द दादा भाई नौरोजी स्वराज का, मतलब दादा भाई नौरोजी के अकॉर्डिंग जो स्वराज शब्द है उसका मतलब क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट, आंसर इसका क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बुक वॉज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी ऑन इंडियन पॉवर्टी एंड इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल, कौन सी किताब लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंडियन पॉवर्टी मतलब गरीबी के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर अंडर ब्रिटिश रूल, तो इसका आंसर है पॉवर्टी एंड अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन सी, दो का आंसर सी है। आपको कभी कोई ये बुक का नाम दे देगा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये किससे किसके द्वारा लिखा गया ये पूछ लेता है, तो दोनों क्वेश्चन को आपको दोनों तरह से याद करने की जरूरत है। तीसरा क्वेश्चन है द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वॉज एनल्ड बाई, मतलब कब खत्म कर दिया गया इसको, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, आंसर है तीसरा सी आंसर इसका, प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना किसने की थी, आंसर इसका बी है दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, फाउंडर कौन थे इसके, तो दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 5 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें कहा जा रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट ये कहा द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द वाइसरायटी ऑफ लॉर्ड डफरिन, मैंने पहले बताया था कि लॉर्ड डफरिन जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था तब जो यहाँ के वाइसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे, तो पहला तो सही है। दूसरा कहता है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज WC बनर्जी, ये भी सही है, बॉम्बे में पहला सेशन हुआ था 1885 में और WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे।
और तीसरा क्वेश्चन क्या था, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन कोलकाता। मैंने अभी बताया कोलकाता में नहीं बल्कि बॉम्बे में हुआ था। तो तीन देखिए, तीन यहाँ पे है तो ये भी गलत हो गया, तीन यहाँ पे है तो ये भी गलत हो गया, तीन यहाँ भी, आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि एट विच कांग्रेस सेशन डिड दादा भाई नौरोजी अनाउंस द स्वराज वॉज द गोल ऑफ इंडिया पोलिटिकल एफर्ट। आंसर इसका है 1906 का जो कलकत्ता सेशन था उसमें क्या गया था, बंगाल विभाजन के बाद ही ये कहा गया था कि स्वराज को हम अपना गोल मानेंगे। तो दादा भाई नौरोजी कब कहा था ये बात, ये कहा था 1906 में कलकत्ता सेशन में। इसका आंसर क्या है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये कह रहा है द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज शिफ्टेड फ्रॉम पूना टू बॉम्बे ऑलमोस्ट 11th आवर बिकॉज। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इसके में पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था वो बेसिकली बॉम्बे में हुआ था, एक्चुअल में ये होना था पूना में, पर पूना में नहीं होने का रीज़न ये था कि पुणे में उसमें क्या होता, फ्लैग फैल गया था, फ्लैग फैल जाने के कारण ये बेसिकली शिफ्ट कर दिया गया था जस्ट 11 घंटे पहले, कहाँ बॉम्बे में। तो इसका आंसर कौन सा होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग वॉज लेबल्ड एज मॉडरेट लीडर इन द कांग्रेस। देखिए मॉडरेट लीडर में से क्वेश्चन ये कह रहा है इनमें से कौन कांग्रेस के लीडर हैं जो मॉडरेट लीडर थे। देखो लाला लाजपत राय जो थे एक्सट्रीमिस्ट थे, अरविंदो घोष कौन थे एक्सट्रीमिस्ट थे, बिपिन चंद्र पाल कौन थे एक्सट्रीमिस्ट थे। तो आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब तीन बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बने हैं। इसका आंसर है ए दादा भाई नौरोजी। अगर दादा भाई नौरोजी ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम जवाहरलाल नेहरू भी जो थे उन्होंने भी तीन बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया था। दोनों ही आंसर है दादा भाई नौरोजी एंड जवाहरलाल नेहरू, आपको याद रखना दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द पर्सन। आप इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। पहला सेशन कहाँ हुआ था पता है आपको, बॉम्बे में। पहला सेशन कहाँ हुआ था बॉम्बे में, ये बताया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था ए यू ह्यूमे। मैंने लुसेंट का जो सीरीज कर रहा हूँ उसमें भी इस क्वेश्चन को बताया था मैंने, तो देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है ए यू ह्यूमे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के जो फाउंडर हैं वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रेजेंटेड प्रिसाइडेड ओवर। देखो मैंने कहा था जो 1886 का सेशन हुआ था उसको किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन सी, 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इन टू इफेक्ट ऑन, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब से लागू हो गया था। घोषणा तो पहले कर दी गई थी पर इसका इम्प्लीमेंटेशन कब किया गया था, इसका आंसर 15 अक्टूबर 1905 से, ठीक है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट नोन एज अ मॉडरेट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। मॉडरेट नहीं थे तो बाल गंगाधर तक पता है आपको कि ये मॉडरेट नहीं थे, आपको ये पता। यहाँ देखिए ऑप्शन डी दादा भाई गोपाल कृष्ण गोखले, आपको पता है कि ये सबसे मॉडरेट नेता थे। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट नोन एज मॉडरेट। दादा भाई नौरोजी भी थे, अच्छा इसमें नहीं थे, इसमें कह रहा है इनमें से कौन है जो मॉडरेट नेता नहीं थे, तो बाल गंगाधर तिलक, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग पेपर वॉज इसेंशियली द माउथ पीस ऑफ पॉलिसीज ऑफ लिबरल। लिबरल्स जो थे उनका जो पेपर था इसेंशियली माउथ पीस ऑफ पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स वो क्या था, वो लीडर, इसका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 18 कर दे, क्वेश्चन नंबर 18 है द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस वाज। कहने का मॉडरेट लीडर से थे, देखिए दो तरह के लोग थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे एक मॉडरेट थे। मॉडरेट बेसिकली बिलीव करते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम बढ़े, पेटिशन डाले, रिटेन डॉक्यूमेंट दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और देन वो वेट करते थे रिप्लाई का। जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट होते थे वो ये मानते थे कि ये सब तरीका बिल्कुल बेकार है, हमें डायरेक्ट आंदोलन करना चाहिए। तो ये कह रहा है कि जो मॉडरेट का मेथड था वो क्या था, तो मैंने अभी आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन, वही जब पिटिशन डालना ही है, तो इसका आंसर क्या बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज, मतलब कांग्रेस से पहले जो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन था वो था इंडियन एसोसिएशन
ऑफ कलकत्ता, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 ये कह रहा है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, ये चार ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं आपसे और पूछा है किसका आंसर है, इसका आंसर है सी। 21 नंबर की ओर, 21 नंबर कहता है हु सेड, किसने ये कहा था, द कांग्रेस इज टोटरिंग इज टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल रिस्पॉन्स। ये बात जो लाइन है आपको याद रखना, आपको ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था बंगाल विभाजन के समय, वायसराय यही थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन ये है 22 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको बता रहा है बदरुद्दीन तैयब जी, ये 1887 में, 1887 में, और ये कहाँ का सेशन हुआ था, मद्रास सेशन में बने थे, इसका आंसर क्या, बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास सेशन 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है कि हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमी ड्रेन। देखो आपको पता है ना दादा भाई नौरोजी बहुत ज़्यादा फेमस थे ड्रेन वेल्थ थ्योरी के लिए, उनका कहना था कि जो अंग्रेज़ है वो भारत से धन को ले जा रहे हैं, उनका ये कहना था कि जो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने क्यों दिया दादा भाई नौरोजी ने, सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। लेकिन इकोनॉमी ड्रेन की जो थ्योरी है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, उनका ये कहना था कि अंग्रेज़ यहीं के पैसे से सामान खरीदते हैं, यहीं के पैसे से अपने देश में सामान लेके जाते हैं, मतलब वो अपने देश से पैसा लेके नहीं आ रहे हैं, मतलब यहीं के पैसे का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा क्या वेल्थ ड्रेन हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए उन्होंने ड्रेन वेल्थ थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द फर्स्ट इंडियन टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू द सॉरी द फर्स्ट इंडियन माफ कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, द फर्स्ट इंडियन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वॉज, पहले इंडियन जो थे जो इलेक्शन लड़ा था कहाँ पे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। तो ये थे दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि आपको दे रखा है गिवन द बिलो द लिस्ट ऑफ पर्सन हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एलिज नेम। अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो जो नाम दे रखा है इसमें ये कहा जा रहा है कौन सबसे कब बने थे, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस समय प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, इसका आंसर है सी, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, ये तो पता ही अभी तुरंत मैंने बताया था, डब्ल्यू सी बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रेसिडेंट इन द फाउंडिंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखो मतलब फाउंड जिस दिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय कौन नहीं थे, किसने उस सेशन को अटेंड नहीं किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपको याद रखना, इन्होंने बेसिकली जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी इन्होंने उस समय पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि ये कोलकाता में किसी काम में बिजी थे, मतलब अगला सेशन होना था उसके लिए बिजी थे ये। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सबसे पहला जो मेंबर बना था भारतीय वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी, और कॉन्टेस्ट भी इन्होंने ही लड़ा था तो यही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश, सिंपल सा क्वेश्चन है 1885, इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं आपके पास, सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको बस देख के जाना है। क्वेश्चन कह रहा है हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस, पहले ही बताया डफरिन, क्योंकि डफरिन लॉर्ड डफरिन थे जो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसमें वाइसराय कौन थे, डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वॉन्टेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू सेफ्टी वॉल, ये बात कहा जाता है किसके लिए, ए यू हमें ने बेसिकली कहा चाहते थे कि एक सेफ्टी वॉल क्रिएट हो और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना भी की थी, इसका आंसर कौन सा है, ए 31 का, ए 32 का है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मॉडरेट, इनमें से कौन मॉडरेट नहीं है। देखो सीधा सा बिपिन चंद पाल, लाल पाल आपको बता याद ही होगा कि ये मॉडरेट नहीं एक्सट्रीमिस्ट थे, तो आंसर इसका 32 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वॉज फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, ये इसकी स्थापना इंडियन एसोसिएशन की आपको पता है कि जब कांग्रेस नहीं बना था उससे पहले, मतलब 1876, इसका आंसर है 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हु वॉज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, आंसर ए है 34 का। 35 नंबर पर पहुँच गए, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसमें क्या आपको 35 नंबर आपको एसोसिएशन दे रखा है और रीजन दे रखा है, आपको बताना है कि दोनों सही है या पहला सही है दूसरा सही और एक्सप्लेनेशन सही कौन सा है। द बेसिक वीकनेस ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट ले इन इट्स नैरो सोशल बेस, कह रहा है कि जो
बहुत पहले जो स्टार्टिंग के जो नेशनलिस्ट थे उनका सबसे बड़ा ये था कि जो मूवमेंट वो कोई भी आंदोलन चलाते थे, मूवमेंट चलाते थे, वो नैरो होता था, उनका सोशल बेस बहुत ही कम था, मतलब सामाजिक तौर पे लोग बहुत ज़्यादा वो घुलते मिलते थे। कहने का देखिए बिल्कुल ये बात भी कहना सही है कि जो पहले नेशनल जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसमें जो लोग थे वो बहुत ही इलीट क्लास के लोग थे, वकील पढ़े लिखे लोग, तो उनका कहीं ना कहीं एक गैप था, जो समाज से जो बेसिक नीचे तबके के नीचे तबके के लोग थे उनसे एक गैप मेंटेन था उनका, तो ये स्टार्टिंग में ऐसा था। तो ये कथन स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। रीजन देखते हैं, इट फॉट फॉर द नैरो इंटरेस्ट ऑफ सोशल ग्रुप्स विथ ज्वाइन इट, तो दोनों ही सही है और आज जो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैडम बिकाची कामा। मैडम बिकाची कामा के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये कहता है मैडम कामा अनफ्यूल्ड द नेशनल फ्लैग। हाँ ठीक है, आपको ढूंढना कौन सा है करेक्ट। ठीक है, मैडम कामा अनफ्यूल्ड द नेशनल फ्लैग एट द इंटरनेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस पेरिस इन द ईयर, ये गलत दिया हुआ है। इज मैडम कामा वॉज इन पेरिस बॉर्न, पेरिस पर्सी, मैडम कामा वॉज बॉर्न टू पर्सी, मैडम कामा सर्व रहा था प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये तीनों का एक ही आंसर सही है इसका, तीसरा नंबर। 37 देखते हैं, होम ऑफ द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल नाइटहुड एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पोजिशन इन द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए हमने 1905 तक का जो फेज़ था मॉडरेट का वो कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज़ की ओर जो कि एक्सट्रीमिस्ट का फेज़ है। जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1905 से 1917 का, इस फेज से जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्टार्टेड एन उर्दू वीकली द हिलाल, द हिलाल अल हिलाल अल हिलाल न्यूज़पेपर। आपको याद रखना है कि मौलाना अब्दुल कलाम का एक न्यूज़पेपर अल हिलाल था और अल बाला बलग दो न्यूज़पेपर है, एक ये अलग है और हिलाल, दोनों ही याद रखना है। ये किसके थे, मौलाना अब्दुल कलाम के। इसको 1912 में स्टार्ट किया था पर इसको बैन कर दिया गया था, इसके 1913 में इन्होंने स्टार्ट किया था, तो दोनों ही न्यूज़पेपर आपको पता ही होने चाहिए, आप याद रखिए दोनों न्यूज़पेपर को। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की, आंसर इसका डी है एनी बेसेंट। लेकिन अगर आपसे ये पूछता पहली भारतीय महिला तो इसका आंसर होता सरोजिनी नायडू, तो ये भी याद रखिएगा। इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द हिस्टोरिक यूनियन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टेक प्लेसेस। देखिए जो बेसिकली कहता है कि पूछ रहा क्वेश्चन आपसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो पैक्ट साइन हुआ था वो कब हुआ था हिस्टोरिक, तो लखनऊ पैक्ट था कब का, लखनऊ पैक्ट ये लगभग 1916 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि हु वॉज द फाउंडर, फाउंडर होगा फाउंडर एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी, के सबको पता कौन था, लोकमान्य तिलक जो केसरी और मराठा दो न्यूज़पेपर ने स्टार्ट किया था, लोकमान्य तिलक ने, एक केसरी था एक मराठा था। क्वेश्चन नंबर 5 में है, द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट केम अप इन ओपन एज सूरत सेशन इन द ईयर 1907। यस, सूरत सेशन 1907 में हुआ था, इसी सेशन में जो एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट थे वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंड एट ढाका। यस, ढाका बांग्लादेश में, उसमें बांग्लादेश नहीं था पर जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में ढाका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है। 7 नंबर ये कह रहा है द कॉलोनियल रूल इन इंडिया द फॉलोइंग इवेंट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आप बताना कौन सी घटना कब हुई। सबसे पहले तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स पता है आपको, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ये 1911 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पता कब हुआ था, फर्स्ट लखनऊ पैक्ट जो हुआ था लखनऊ पर, ये 1916 में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ था और मॉडल मिंटो रिफॉर्म पहला है, मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था, तो आपको याद करना है 1, 2, 3 एंड 4। यस, बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रीडम मूवमेंट, द कांग्रेस वॉज स्प्लिट इंटू टू फैक्ट्रीज एज अ सूरत सेशन। बिल्कुल सही बात, अभी हमने देखा इस क्वेश्चन को, बाल गंगाधर तिलक रिवाइव द फेस्टिवल ऑफ गणपति एंड शिवाजी। यस, ये भी बात सही है कि 1898 के आसपास इन्होंने बेसिकली इसको स्टार्ट किया था, जिसके बाद इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तीसरा पॉइंट है, अरविंदो घोष वॉज अरेस्टेड इन द कनेक्शन विथ एलिपोरा बॉम्ब केस विच। बिल्कुल तीनों ही सही स्टेटमेंट है, इसका ऑप्शन कौन सा डी हो जाएगा।
उसके बाद है कि कंसिडर द फॉलोइंग नेशनलिस्ट हु अमंग दीज वे रिफर टू मिलिट्री नेशनलिस्ट। तो आपको याद रहे कौन सा है, लाल बाल काल तो देख लो, तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले। मैंने बहुत बार इससे पहले मैंने बता चुका हूँ कि ये मॉडरेट्स थे और ये तीनों ही। तो 1, 3, 4 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ भारत नौजवान सभा इन 1900। इसका सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह ने ये बनाया था 1926 में, भारत नौजवान सभा। आपको इस भी ईयर भी पूछ सकता है और किसने बनाया ये भी पूछ सकता है, इसलिए आपको दोनों याद रखना कि भारत नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह के द्वारा वो किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन फिल्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ गिवन इवेंट। अच्छा, कौन सा ऑर्डर सही है? पार्टीशन ऑफ बंगाल, यस बिल्कुल सही है, 1905 में हुआ था। उसके सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था, लखनऊ पैक 1900, ये बिल्कुल सही है, पहला ही सही है, क्योंकि तीनों पहले 1905 में हुआ, फिर 1907 में और फिर 1916। ये क्रॉनिकल ऑर्डर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर हम 11 कर लिया हमने, 12 पे हम आ गया। 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है कि अदर देन एनी पेशेंट हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो लॉन्च होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। आपको पता है कि होम रूल मूवमेंट जो इंडिया में दो लोगों ने किया था, एक तो एनी पेशेंट और दूसरे कौन थे, आप बताइए बताइए। बाल गंगाधर तिलक, आंसर बी, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक। एस एस ने जो क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही है। भगत सिंह एंड बुटकेश्वर दत्त थ्रू बॉम्ब इन लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929, बिल्कुल सही है, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा रीजन क्या है, दे वॉन्टेड टू किल सम मेंबर, नहीं ये बिल्कुल इनका मारने का कोई उद्देश्य नहीं था, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 क्वेश्चन नंबर कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट ढूंढना आपने। पहला कह रहा है प्रायर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम रूल लीग बाय एनी पर्सन इट वॉज द लोकमान्य तिलक हु हैड सेट अप होम रूल। यस देखिए, दोनों एक अप्रैल में स्टार्ट होता है, एक मई में स्टार्ट होता है, बस इतना ही मंथ का ही डिफरेंस है, बाकी ईयर तो दोनों का सेम ही होता है, तो सिर्फ मंथ के कारण आप बोल सकते हो कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द कांग्रेस इज बॉम्बे सेशन इन 1915 पास द रेजोल्यूशन डिमांडिंग ऑफ होम रूल फॉर इंडिया, नहीं बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो ओनली वन। ठीक है, 15 में देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैन। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी बताया आपको। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम, ये भी मैंने बताया कि ढाका में 1906 में हुआ, ये भी सही है। सूरत स्प्लिट 1907 में, ये भी मैंने आपको बताया था। ट्रांसफर ऑफ इंडिया फ्रॉम कोलकाता, ये गलत है, ये 1909 में नहीं बल्कि 1911 में हुआ था, इसका हो जाएगा 15 का डी। 16 नंबर क्वेश्चन की बात, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डोमिनेटेड द लखनऊ पैक्ट इन दिसंबर 1916। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डोमिनेटेड द लखनऊ पैक्ट इन दिसंबर, ये इसका आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक। और कहीं ना कहीं आप मान सकते हो बाल गंगा, फिर से जो एक समझौता हो गया था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, इसका पूरा जो दारोमदार था वो एनी पेशेंट और लोग बाल गंगाधर तिलक के कारण ही था और उनके ऊपर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी सेट अप द यूनाइटेड इंडिया हाउस इन USA, इसका आंसर है बी, तारक नाथ दास एंड जी डी कुमार। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या आता है, ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, आपको ये बताना है कि ये पैराग्राफ किसके द्वारा था रिफर करता है, तो ये याद रखना आपको सीधा कि लाला लाजपत राय। हालांकि इतना बड़ा स्टेटमेंट पेपर में नहीं आएगा, फिर भी इसको देख लीजिएगा, थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आपको करा दूँ, इसलिए थोड़ा बीच में थोड़ा सा साउंड का इश्यू हो सकता है, इसलिए माफ़ कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता इन 1906। 1906 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें कौन थे, कलकत्ता में हुआ था, कौन था, दादाभाई नौरोजी, और इसी में इन्होंने स्वराज को एक्सेप्ट किया था। इसे था पूछ सकते हैं कि स्वराज का जो टर्म, स्वराज को कांग्रेस ने कब एक्सेप्ट किया था, तो यही 1906 का ही सेशन था वो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एक्सट्रीमिस्ट। अब ये कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आप देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, इसका आंसर डी है। हु गेव द इंकलाब जिंदाबाद स्लोगन, भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद स्लोगन भगत सिंह, सबको पता है क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम आ गए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर बिलोंगिंग टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस। तो एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, दादाभाई नौरोजी थे नहीं, एस एन मुखर्जी भी नहीं थे, जीके गोखले तो बिल्कुल नहीं थे, अरविंद घोष, इसका आंसर ए होगा, याद रख लीजिएगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट नाम है एक्सट्रीमिस्ट लीडर के,
और मॉडरेट क्या, वो आपको पता होनी चाहिए। आप उसका एक लिस्ट बना लीजिए, बुक में बहुत सारे बुक में दे रखा है, अगर आप कहिए कमेंट कीजिएगा तो मैं भी बना के आपको दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। आपको पता है ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, सबको पता है ये चीज़, बाल गंगाधर तिलक ने ये स्टेटमेंट दी थी कि क्या बोलते हैं इसको कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं ऐसे लेकर रहूँगा। तो ये कहना किसका था, ये था बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, द मुस्लिम लीग डिप्यूटेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ आका खान मीट लॉर्ड मिंटो 1906 एट शिमला एंड प्लीड फॉर। इसका ऑप्शन ए है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर ए होगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के देखिए मैंने जो सही आंसर वही करवाए हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें आंसर इस बुक के अंदर आंसर एरर भी है, तो इसलिए मैंने खुद से क्वेश्चन को करके आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कर लिया हमने, 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि जो अनुशीलन समिति वॉज फाउंडेड, अनुशीलन समिति वॉज अ रिवोल्यूशनरी एग्जामिनेशन, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर गया डी, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु सेड द कांग्रेस मूवमेंट वॉज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉर डिवाइस और प्लान बाय देम, ये बात लाला लाजपत राय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट डिड द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ किंग फोर्ट्स वॉज मेड एट मुजफ्फरपुर 1908 में, वैन सॉरी व्हाट नहीं वैन डिड, कब हुआ था, तो 1908 में हुआ था, बताइए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर 28 क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ईयर डिड लॉर्ड हार्डिंग कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग ने कब किया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, याद रखना लॉर्ड हार्डिंग नहीं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में कैंसिल किया था, ठीक है। 29 क्या कहता है, 29 कहता है बरिंदर कुमार घोष मतलब वी के घोष वॉज अ मेम्बर ऑफ विच रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको देखना है। ये देखिए जिसमें चार ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, इसका ऑप्शन अनुशीलन समिति ही है, पर इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि इसका आंसर मुझे नहीं लगता चार ऑप्शन में से कोई है। क्वेश्चन नंबर 30 में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वंदे मातरम वॉज एडॉप्टेड स्लोगन फॉर आइडेंटिटी, ये तो सबको पता है कि बंगाल विभाजन में हमने वंदे मातरम जो स्लोगन को अडॉप्ट किया था ताकि एक राष्ट्रीय भावना को बल मिले, इसके लिए हमने इसको अडॉप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो है ऑफ द फॉलोइंग हु कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन अंटेस्ट। देखो फादर ऑफ इंडियन अंटेस्ट की बात करें तो बहुत सारे है, लेकिन इसका आंसर आप सी लगा लीजिए, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, फादर ऑफ इंडियन अंटेस्ट जो है लोकमान्य तिलक को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखे, होम रूल लीग वेर स्टार्टेड 1915-16 अंडर द लीडरशिप, मैंने पहले बताया था होम रूल लीग में दो आदमी का था, एक था इनिवेशन दूसरे थी तिलक, तो आंसर क्या होगा इसका ए। 35 का है, द गदर मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल और ये बेसिकली इंडिया के नहीं, इंडिया के बाहर था ये मूवमेंट, ठीक है। इनका हेडपोर्ट सैंटियागो कुछ US में था, ऐसे ही चेक कर लीजिएगा एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 34 पे हम पहुँच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 34 जो है, गिवन बिलो अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, देखिए यहाँ पर ये बेसिकली गिवन बिलो द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट दोज इंगेज रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज यूजिंग द कोड बिलो। अब इस क्वेश्चन का क्या, आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है और ये अनुशीलन समिति, ये क्वेश्चन आप रहने दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा मुझे दिक्कत एरर लग रहा है इस क्वेश्चन में, 34 नंबर छोड़ देते हैं। 35 नंबर करते हैं, होम ऑफ द फॉलोइंग वॉज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ रिकॉन्सिलेशन बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट, ये मैंने आपको बताया था कि एनी बेसेंट और का बहुत बड़ा योगदान था कि जो 1907 में सूरत स्प्लिट में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अलग हो गए थे, उनको वापस एक प्लेटफॉर्म में ला के इन्होंने जोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये लाइन सरोजनी नायडू ने कही थी। सरोजनी नायडू ने किसके लिए कही थी, सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कही थी कि आप एक ट्रू एम्बेसडर हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। 37 नंबर क्वेश्चन करते हैं, श्यामाजी कृष्ण वर्मा एस्टैब्लिश इंडिया होम रूल सोसाइटी इन लंदन, ये भी क्योंकि जो भी रिवोल्यूशनरी थे बेसिकली वो लंदन जाके यहीं ठहरा करते थे, तो ये आपको याद रखना है कि एस के मतलब श्यामजी कृष्ण वर्मा ने होम रूल, इंडियन होम रूल जो लंदन एस्टैब्लिश किया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, फाउंडर कौन थे, तो नवाब सलीमुल्ला खान, कहाँ हुआ था, 1906 में ढाका में। 38 का आंसर डी होगा। 39 श्री अरविंदो आसाराम, आसाराम इज सिचुएटेड इन पौंडीचेरी, ये याद रखना आपको, श्री अरविंद
अरविंद आसाराम इंस्टीट्यूट पौंडीचेरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि हु मोर द फॉलोइंग एस्टैब्लिश अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन अब्रोड। तो राजा महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप। ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप कि राजा महेंद्र प्रताप जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन अब्रॉड। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है? ए। इसका आंसर बता दूँ आपको, इसका आंसर जो है वो ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए हम बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप कर सकें, क्योंकि इसमें हम एक्सप्लेन कर नहीं रहे आपको, हम ये दे देंगे, आप इस वीडियो को देखिएगा, इसमें आंसर ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए क्वेश्चन 41 करते हैं। क्वेश्चन 41 ही कहता है, हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति। तो इसका देखो बेसिकली अरविंदो घोष जी में बहुत सारे लोग थे, तो इसका आंसर ए है। जो ऑप्शन दिया इसमें हम पी नाथ मित्र मार लेंगे, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे लोग भी थे जो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। 42 को, वैन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस? 1905, कोई शक नहीं है 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर हैज़ बीन डिस्क्राइब एज बीइंग रेडिकल इन पॉलिटिक्स बट कंजर्वेटिव इन सोशल इशू? ये थे बाल गंगाधर तिलक। 44 पे पहुंच गए, 44 है, द न्यूज़ पेपर ब्रॉट आउट बाई बाल गंगाधर तिलक टू प्रमोट नेशनलिज्म वॉज केसरी। दो न्यूज़ पेपर इनको इन्होंने स्टार्ट किया था, केसरी और मराठा। तो 44 का आंसर क्या? सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? ये कहा था इनको वैलेंटाइन चिरोल ने। इसका 45 का आंसर सी है, वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। हु फाउंडेड द अनुशीलन समिति एट ढाका? मैंने बता दिया, देखिए ये अनुशीलन समिति या ढाका की बात हो रही है, तो दोनों को ध्यान रखिए, क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। इसका आंसर क्या है? डी। 46 का आंसर डी है। 47 का देखिए, 47 है, विच टू रिवोल्यूशनरी वेर इन्वॉल्व इन द मुजफ्फरपुर मर्डर 1908? मतलब 1907, पता ही आपको, प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस, और सबसे कम फांसी भी इनको दे दी गई थी, बहुत कम उम्र में। तो याद रखना, 47 का आंसर डी है। आई एम गिविंग यू अ मुस्लिम प्रोविनेंस, हु सेड? ये बात कहा था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था कि आई एम गिविंग यू अ मुस्लिम प्रोविनेंस, ये प्रोविनेंस। ठीक है, 49 पे आ गए हम। 49 क्वेश्चन करते हैं, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया वॉज सीन इन महाराष्ट्र? जो ये बेसिकली ये दिखा गया था महाराष्ट्र में दिखा गया था। इसका आंसर क्या है? 49 का ए। हु फाउंडेड द स्वदेश बंधव समिति? स्वदेश बंधव समिति किसने बनाया था? अश्वनी कुमार दत्त। स्वदेश बंधव समिति किसने बनाया था? ये बनाया था अश्वनी कुमार दत्त। ये सारे जो बेसिकली जो ये इस तरह के जो स्वदेश बंधव समिति, इस तरह जो समिति थी, ये लगभग लगभग बंगाल विभाजन के आसपास ही फाउंड किए गए थे। 51 में करते हैं, 51 कहता है, हु डिफिटेड अरविंद घोष इन द एलोपोरा बॉम्ब केस? तो आपको याद, चितरंजन दास, चितरंजन दास। आंसर डी है इसका। 52 पे हम आ गए, 52 कह रहा है कि हु ट्राइड द ऑर्गेनाइज रिवोल्ट बाई इंडियन सिपोही एंड रिवोल्यूशनरी अराउंड 1903? ये राजबिहारी बोस, राजबिहारी बोस का आंसर, राजबिहारी बोस। अब हम पहुंच गए 53 क्वेश्चन नंबर पे। 53 क्वेश्चन करते हैं, सॉरी सॉरी, 53 क्या है? 43 ये कहता है, हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ युगांतर? जो पहले एडिटर कौन थे युगांतर के? इसका आंसर है ए, बरिंदर घोष, बरिंदर घोष। 54 क्या है, हु लीड द अटैक ऑन यूरोपियन क्लब एट पहाड़ताली पहाड़ताली इन चित्रों? ये आपको नाम है ए, पी वडेकर। ठीक है, 55 का है, 55 नंबर क्वेश्चन है, वैन वॉज इस्टेब्लिश द मुस्लिम? मैंने बता चुका हूँ 1906 में, किसने बनाया, कब बनाया, सब बता चुका हूँ मैं। नेम द लीडर ऑफ होम रूल मूवमेंट एनिवेशन एंड आपको बाल गंगाधर तिलक, दोनों को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, वेयर एंड वैन वॉज द गदर पार्टी फाउंड? मैंने बता चुका हूँ, अमेरिका यूएस में बना था, मैंने बताया था 1913 में, सैंटियागो, कुछ सैंटियागो या सैंटियागो ही में शायद ये बना था, अभी का चेक कर लीजिएगा, और आपको लाला हरदयाल थे इनके फाउंडर में, संस्थापक बोल सकते हैं आप। 58 का, द सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी 1916 वॉज ऑर्गेनाइज बाई? आंसर सी है इसका, मौलाना अब्दुल कलाम एंड मौलाना महमूद हसन। 59 पे आ गया, 59 क्वेश्चन क्या था, 59 क्वेश्चन का था, वॉट वॉज द कामागाटो मारू? देखो कामागाटो मारू क्या, एक नवल सिप था, कामागाटो मारू कुछ नहीं था, एक नवल सिप था, और ये गदर पार्टी, गदर का जब पार्टी के आंदोलन आप पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड ये चीज़ ऐसे, कामागाटो ये एक नवल सिप था, लेकिन जापान से शायद ये हायर किया गया था। ठीक है, 59 नंबर का। 60 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, वेयर वेयर
where the गदर रिवोल्यूशनर हु बिकम ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बेस्ड। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका ऑप्शन जो देखा है वो नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका में होता है, नॉर्थ अमेरिका ही है। ठीक है, आंसर इसका आंसर ए है। होम ऑफ द फॉलोइंग गेव अ सिस्टमैटिक क्रिटिक ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सीरीज ऑफ आर्टिकल इंटाइटल न्यूज सॉरी न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। ये बात था ए, अरविंदो घोष। इसका आंसर क्या है? अरविंदो घोष। ये भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपस ये लाइन याद रखिएगा और अरविंदो घोष को याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 इज वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सीधा 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर ए। ठीक है, 63 क्वेश्चन पे आ गया। 63 क्वेश्चन नंबर, माफ कीजिएगा, 63 क्वेश्चन को देख लें। 63 कह रहा है, फोर रिजोल्यूशन वेर पास्ड एट द फेमस कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1906। द क्वेश्चन ऑफ आइदर रिजेंशन और रिजेक्शन ऑफ दोज फोर रिजोल्यूशन बिकम द कॉज ऑफ स्प्लिट। देखिए बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा था जिसका रिजेक्शन के कारण जो स्प्लिट हुआ था 1907 में, किसमें में? कांग्रेस के बीच में, मतलब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। तो इसका आंसर जो है वो है सी, नेशनल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 64 में पहुंच गए हैं और इस पोर्शन का मतलब 1905 से 1917 का ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ उसका मेन रीजन ये था, आप हो गया बंगाल विभाजन। तो द पार्टीशन ऑफ बंगाल डन बाय लॉर्ड कर्जन। तो ये 64 क्वेश्चन हमने कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एज की तरफ। नेक्स्ट एरा जो है, अब ये हमारा लास्ट फेज होगा, यह द गांधीयन एरा 1917 से 1947। 1917 से 1947 का फेज हमने स्टार्ट कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद महात्मा गांधी? आपको याद है सरोजिनी नायडू। किसने लीड किया था? तो सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दो है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक? पहली बार उन्होंने भूख हड़ताल की थी कब? तो आपको याद रखना अहमदाबाद स्ट्राइक, जो 1918 में। क्वेश्चन नंबर तीन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन है, फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? 1940 में इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह, वैसे गांधी जी ने यह कहा था कि जो 1939 का वर्ल्ड वॉर चल रहा था कि इन्होंने कहा था इंडिविजुअल सत्याग्रह होगा। इंडिविजुअल सत्याग्रह बेसिकली होता क्या था कि हर जो एक लीडर होते थे वो अपने अपने जगह पर खड़े होकर भाषण देते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो ये था आंसर इसका बी होगा। तीन का आंसर क्या होगा? बी होगा। अब ये कह रहा क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग इज नॉट रिलेटेड टू महात्मा गांधी? अजीन में से कौन सा है जो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ नहीं है? द होली फैमिली। देखिए आपको हिंद स्वराज, हरिजन, द माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये तीनों बुक जो है गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। द होली फैमिली ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर पाँच जो है, द बुक ऑन टू दिस लास्ट विच इन्फ्लुएंस गांधी ऑथर बाई। ये कह रहा है ये जो बुक्स है, आपसे ये क्वेश्चन दो तरह से पूछे गए हैं। एक बार पूछा गया किसके द्वारा गांधी जी इन्फ्लुएंस थे, तो इसका आंसर आपको जॉन रस्किन। कौन सी बुक थी उनकी? ऑन टू दिस लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर छः पे पहुँच गए। क्वेश्चन नंबर छः जो हमारा है वो है, द मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास वर द फाउंडर मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी। कब? 1923 के आसपास बनाया था, आप इसका चेक कर लीजिएगा। स्वराज पार्टी ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सात पे है, गांधी कंसीडर खादी एज अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर एट के बताए, इंडिया विंस फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी किसकी? अबुल कलाम आज़ाद की। क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन मीट फॉर द डिसीजन ऑफ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो लंदन में। देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 से 1932 तक चला था। दूसरा जो कॉन्फ्रेंस था उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था सिर्फ एक ही सेशन में। इसका आंसर क्या है? नौ का, नाइन का ए। क्वेश्चन नंबर थे, सर्वोदया स्टैंड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, इसका आंसर सी है। 11 क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज महात्मा गांधी बीटन एप थोर्न ऑफ द पेमेंट बाय द वाइट पीपल?
कहाँ पे, जोहान्सबर्ग, आपको पता है जोहान्सबर्ग में गांधी जी को बहुत ज़्यादा वो अभद्र शब्द का यूज़ किया गया था उनके लिए, और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। तभी गांधी जी ने रियलाइज़ किया था कि मेरे से पढ़े लिखे लोगों को जब इस तरह का बिहेवियर फेस करना पड़ रहा है, तो जो लोग गरीब हैं, जो बोल नहीं पाते, उनको कितना ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। उनको गांधी जी को इस चीज़ में एहसास हुआ था ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ अप्रेस नेशनलिस्ट एलब्रूसियर इन 1927 ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल कांग्रेस। तो जे एल जवाहरलाल नेहरू ने अटेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग ऑफ गांधी जी। तो आपको सबको पता है इसका आंसर कौन सा है, सत्य अहिंसा। तो सी गांधी जी वॉज स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ, किसके थे उसमें, कॉटेज इंडस्ट्री। बिल्कुल सही, गांधी जी मानते थे कॉटेज इंडस्ट्री को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। वो आत्मनिर्भर मानते थे गांव को, कि वो चाहते थे कि डेवलपमेंट जो गांव से ही शुरू होना चाहिए, उनका ऐसा मानना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, हु वॉज द लास्ट ब्रिटिश वाइस राय ऑफ इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन। और जो पार्टीशन ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी लॉर्ड माउंटबेटन से ही माना जाता है, कि बंगाल का विभाजन किस वाइस राय से हुआ था, बोलोगे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड फॉलोइंग द फेल्योर ऑफ स्वराज। देखो बेसिकली स्वराज पार्टी का जो बेसिकली बनता है स्वराज पार्टी, वो कब बनता है, किस मूवमेंट के फेल हो जाने के बाद, वही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1923 के आसपास ही स्वराज पार्टी बनता है। और जो हमारा असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट किया 1920 में गांधी जी ने, उसके बाद इसका आंसर ए है, आपको याद रखना है। 16 का हम आ जाते हैं 17 के ऊपर। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 क्वेश्चन कह रहा है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वैन माउंटबेटन प्लान वॉज एक्सेप्टेड। जब माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट कर लिया गया था, उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, जेपी कृपलानी। मतलब आपको याद रखना, जेपी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम बढ़े। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 18 कह रहा है, हु डेवलप द आइडिया दैट मीन्स जस्टिफाई द इंड्स, मीन्स जस्टिफाई द इंड्स। ये थे महात्मा गांधी। हु डेवलप द आइडिया, ये आइडिया किसने डेवलप किया था, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रोविजनल ऑटोनॉमी वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ 1935, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु डिक्लेयर एज हिज अल्टीमेट एम द वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। ये था जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन नंबर 21, इन इन इंड्स एंड मीन्स रिलेशनशिप गांधी जी बिलीव्ड, ऑप्शन ए। 21 का ऑप्शन ये है। 22 का अगर हम देखें तो 22 का ये है, भुल्ला भाई देसाई इज मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट वॉज हिज डिफेंस ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी पर्सनल एट्रेट फॉर ट्राइवल टुवार्ड द एंड ऑफ 1940। मतलब कब ये था, 1945 में। भुल्ला भाई देसाई ने जो बेसिकली जो आईएनए था, जो बेसिकली आईएनए था, उसको जब गिरफ्तार कर लिया गया था उन लोगों की सेना को, उनकी तरफ से जो लड़ाई लड़ी थी वकील के तौर पे, वो भुल्ला भाई देसाई थे। कहाँ, 1945 के आसपास ये बात हुई थी। महात्मा गांधी रिमार्क अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बारे में ये बात कही थी गांधी जी ने। अंडर द हुज लीडरशिप वॉज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1934, इसका आंसर है बी। 25 पे हम आ गए, 25 को बढ़ते। 25 बोलता है, द इश्यू ऑन विच द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 वॉज लॉन्च, ये था कंप्लीट फ्रीडम के ऊपर। 26 कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के मेंबर थे, यस। मेरे साथ गोपाल कृष्ण गोखले तो थे ही नहीं इसमें, डेट पर डेट ही डेथ हो चुका था, तो ये ऑफ तीन ऐसे ही कट जाएगा, तीन यहाँ पे, ये भी कट गया, ये भी कट गया। आंसर क्या इसका, ए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। महात्मा गांधी, ये आपको पता है महात्मा गांधी का ये तीन बुक मैंने और भी बता रखा आपको, वो तीनों भी देख लीजिएगा, ये भी नहीं कहा था। अब ये क्वेश्चन 28 कह रहा है कि, एक मिनट, 28 कह रहा है कि गांधी जी मूवमेंट ऑफ बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स एम्ड एट, ये सीधा आंसर है 28 का। मतलब वो कॉटेज को प्रमोट करना चाहते थे, प्रमोशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, ऑप्शन सी। 28 का ऑप्शन सी होगा। 29, सॉरी, आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पता ही है आपको। 29 का 30, 30 क्वेश्चन नंबर 13 है, 30वां क्वेश्चन है,
इंडिया अटेंडेड डोमिनेंट स्टेट्स ऑन 15 अगस्त 1947। बिल्कुल सही है, 30 का आंसर। 31 की ओर बढ़े, 31 में कह रहा है हु कॉल गांधी जी हाफ नेट बेगर, ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी जी के लिए हाफ नेट नेक बेगर। 32 कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट विद रेफरेंस टू इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, इसमें आपको बताना कौन सा इवेंट कब हुआ था, तो लगभग मैंने आपको बता ही दिया है, तो याद रखना है आपको कब, इसका आंसर क्या है, डी होगा। 33 क्वेश्चन करते हैं, 33 क्वेश्चन ये कह रहा है कि एसोसिएशन दे रखा है, रीजन देखा है, तो इसका आंसर आपको दे बता दूं मैं, ए है, और दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही आंसर सही है इसके। 34 क्वेश्चन करते हैं, द फाइनल अरेंजमेंट फॉर द इंडिया इंडिपेंडेंस वेयर वर्क आउट बाय फाइनल, मतलब ये पता कैबिनेट मिशन में ही ये बेसिकली पूरी तरीके से, मान लो कि भारत की आज़ादी का रूपरेखा को जो स्वीकार कर लिया गया था वो कैबिनेट मिशन के अंदर किया गया था, ठीक है, उसमें ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात को मान लिया गया था, बहुत तरीके की चीज़ें हुई थी, तो जब आप कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत सारा पॉइंट देखने को मिलेगा। 35 है, आपको लिस्ट दे रखा इवेंट का और कौन सा इवेंट कब हुआ था ये आपको मैच करना, तो आपको याद रखना इसका आंसर क्या है, डी है 35 का। 36 का आपको दे रखा रविन्द्रनाथ टैगोर रिलिंगिस्ट द किंगहुड, और दूसरा है जालियांवाला, बिल्कुल दोनों ही सही है, देखिए इसका आंसर देख लेते हैं अभी हम। 36 नंबर का आंसर क्या है, 36 नंबर का बोथ आर करेक्ट, मैंने पहले कहा था कि दोनों ही सही है 36 का, एंड आर इज द करेक्ट। जालियांवाला बाग के बाद ही जो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जो नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, गांधी जी ने भी लौटा दी थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ अपना उपाधि जो था वो लड़ा दिया था, ये कब हुआ था जालियांवाला बाग, और जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था आपको, आई थिंक 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में ये घटना घटी थी। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर व जवाहरलाल नेहरू एसोसिएट, किस न्यूज़पेपर के साथ जवाहरलाल नेहरू जुड़े हुए थे, इसका आंसर है डी नेशनल हराल्ड, आंसर डी इसका। 38 क्वेश्चन करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग डेज व डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बाय यूनियन, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती, 2 अक्टूबर डायरेक्टली इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट, ये था 1919 के एक्ट, तो जो डायरेक्ट मतलब जो दो शासन द्यू शासन व्यवस्था जो ये कब आया था वो एक्ट ऑफ 1919। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि ड्यूरिंग द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल, ये था इसका आंसर है, पहला प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलेट एक्ट, यस। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स जवाहरलाल, 41 कर रहा हूँ मैं, 41 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स जवाहरलाल नेहरू अनफ्यूल द ट्राई कलर नेशन फ्लैग ऑन बैंक्स ऑफ रिवर रवि एज द क्लॉक स्ट्रक ऑफ मिड नाइट, ये तो आपको बताइए कि 31 अगस्त 1929 को ये चीज हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, द फेमस आयरनेट ट्रायल टुक प्लेस 90 रेड फोर्ट दिल्ली, और आपको बताइए अभी मैंने बुल्ला भाई के बारे में बताया था, उन्होंने नहीं इनकी तरफ से केस लड़ा था और ये 1946 को ये ट्रायल हुआ था, ठीक है। हुम ऑफ द फॉलोइंग हैड हेडेड द ग्रुप ऑफ एडवोकेट टू आर्गू द केस ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन, ये सेम क्वेश्चन ऊपर बुल्ला भाई देसाई मैंने अभी बताया वही क्वेश्चन है, 43 का आंसर ए होगा। उसके बाद आइए 44 की ओर बढ़ते हैं हम, 44 ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट डिड महात्मा गांधी राइट पर्सनली आई एम सो सिक ऑफ स्लेवरी दैट आई एम इवन प्रिपेयर टू टेक द राइज ऑफ एनआरसी, ये क्विट इंडिया मोमेंट के समय गांधी जी ने ये जो वर्ड है क्विट इंडिया मोमेंट के समय लाइन बोली थी। अकॉर्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दे रखा आपको, अब स्टेटमेंट को देखिए और आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो देखिए इसमें तीनों 1, 2 एंड 4 सही है, तीसरा गलत है। यूथ कांग्रेस सेशन ऑफ लखनऊ इन 1936 वॉज हेल्ड सुभाष चंद्र बोस, ये बिल्कुल ही गलत है, 1936 लखनऊ में तो वही नहीं, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं हम 46 क्या कह रहा है, 46 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब कौन सी घटना कब हुई थी आपको ऑर्डर में लगाना है, इसका आंसर आप याद रखिए 46 का ए है। 47 है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विथ काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, तो इसका आंसर है डी अशफाकुल्ला। 48 का हु अमंग द फॉलोइंग रोड अ बुक अ नेशन इन द मेकिंग, ये बुक लिखी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी।
49 पे हम आ गए। 49 का अगर हम देखें क्या था, एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैंने बताया था आपको कि सेकेंड राउंड टेबल ये हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें बेसिकली कांग्रेस की तरफ से 1931 का था ये सेशन कॉन्फ्रेंस, में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। 50वें नंबर पहुंच गया। 50वें नंबर ये कह रहा है कि आपको एक असिस्टेंट रीजन दे रखा, पढ़िए पहले। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द साइमन कमीशन एंड डिड नॉट कॉपरेट विथ इट। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था कि साइमन कमीशन का विरोध होने के पीछे रीजन था कि जो साइमन कमीशन के मेंबर थे, सात मेंबर थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, और कांग्रेस का ये कहना था कि भारतीयों के लिए फैसला लेने के लिए अंग्रेज ही आए हैं और अंग्रेज ही उसके मेंबर हैं, तो वो भारतीयों की दशा को जानते ही नहीं, फिर वो उसका निर्णय कैसे ले सकते हैं, इसलिए इसका कड़ा विरोध हुआ था। द साइमन कमीशन हैड ऑन नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन, यही रीजन था, बिल्कुल सही है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 51 करते हैं, विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ना है और ये सारे स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर डी है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, आपको ये सारे इवेंट देखा और आपको बताना कौन सा इवेंट कब हुआ, इसका आंसर बता दो आपको सी है। 53, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये तो गलत है, मैंने सोशलिस्ट पार्टी कब हुआ था, ये आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब 1923 का ये डेट गलत, 1923 के आसपास ये हुआ था, नहीं 1923 नहीं 34 में ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना था, ठीक है, तो ये एक गलत है, ऑप्शन सी इसका गलत है। 54 पे आते हैं, 54 कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड बाय महात्मा गांधी एज इट्स पॉलिटिकल गुरु। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को अपना पॉलिटिकल गांधी जी के किसको अपने पॉलिटिकल गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। 55 कहते हैं, 55 का है कि विच अमंग द क्रोन, अच्छा वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ओवर हमने कराया, इसका आंसर ए है। 56 क्वेश्चन करते हैं, 56, फॉर विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, ये मूवमेंट कब हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 57 कह रहा है, वेयर वॉज द फर्स्ट पिजन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी, चंपारण में, बिहार में चंपारण में ये मूवमेंट स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, अभी तुरंत मैंने आपको बताया इसका आंसर है सी आर दास। क्वेश्चन नंबर 59 कहता हु अमंग द फॉलोइंग नेशनल लीडर डिड नॉट ऑप्ट टू डिफेंड द केस डीलिंग विद द ट्रायल ऑफ सोल्जर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, ये हु अमंग द फॉलोइंग नेशनल लीडर डिड नॉट ऑप्ट टू डिफेंड, ये किसने मना कर दिया था, ये तो सी राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी, तो किसने लड़ा था, भोला भाई देसाई ने, और ट्रायल का वो किया था केस, ठीक है। 60 नंबर देखते, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा आसफ अली वॉज अ मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द अंडरग्राउंड एक्टिविटीज इन, जिसका आंसर आपको याद रखना है ये बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट जो था उस समय का है, ऑप्शन बी। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, लॉर्ड इरविन, तभी गांधी जी और इरविन केस में एक पैक्ट साइन होता है जिसको लॉर्ड इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, तो वही घटना ही है, जस्ट बेसिकली ये जो पैक्ट होता है इरविन के साथ ये इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस थी वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी और इरविन के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से दबाव था किसी तरीके से कांग्रेस को भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लेकर आओ, तो इसलिए गांधी जी और इरविन लॉर्ड इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था, उसी को लॉर्ड इरविन पैक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम दांडी मार्च सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 का सी। क्वेश्चन नंबर 63, हु प्रिस्क्राइब द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 92, ये रमस मैकडोनल्ड, इसमें वही आरक्षण की बात कर दी गई थी और वो सब दिखा था, इसके बाद पूना पैक्ट साइन जो हुआ था वो इसी के बाद हुआ था, इसी घटना के बाद, ठीक है। 64 करते हैं, 64 में कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्लोगन इज एट्रीब्यूटेड टू सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद, जय जवान जय किसान, ये लाल लाजपत राय ने दिया था, जय जवान जय किसान, ठीक है। इंकलाब जिंदा था पता ही आपको, भगत सिंह ने दिया था। 65 पे आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर, तो हिंद स्वराज, गांधी जी की बुक है ये, मैंने ऊपर भी करा रखा आपको, ये बुक गांधी जी की है, हिंद स्वराज। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच अमंग द फॉलोइंग रिगार्ड द पूना पैक्ट 1982 एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब्स,
ये गलत बात है। तो ये इसका आंसर है, सिक्स इसका ए आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू डायरेक्ट एक्शन डे, ये बेसिकली 1946 की के आसपास की घटना है और इसके बाद राइट बहुत तगड़ा राइट हुआ था। डायरेक्ट एक्शन डे ये बेसिकली मुस्लिम लीग की तरफ से स्टार्ट किया गया था। तो 67 का सी है, ठीक है। 68 का, 68 क्या रहा है, हरिपुरा कांग्रेस 1938 रिमेंस अ माइलस्टोन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बिकॉज, देखिए क्योंकि 68 में बेसिकली यस 1938 के सेशन के बाद ही प्लानिंग कमीशन का जो आइडिया है वो निकल के बाहर आया था। तो इसका आंसर क्या सी है। 69 का हिंद स्वराज, महात्मा गांधी वॉज क्रिटिकल ऑफ रेलवे बिकॉज दे आर, ये सारे जो दे रखे हैं 1 2 3 तीनों ही सही है। 69 का ए आंसर है। 70 में पहुँच गए, 70 क्वेश्चन में कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉयकॉट द साइमन कमीशन, बिल्कुल सही बात है। तो और इट वॉज अपोज टू द कम्पोजिशन ऑफ कमीशन, यस बिल्कुल सही बात है। दोनों ही सही है। 70 का ए आंसर होगा, 70 का ए आंसर होगा। फिर 71 की ओर बढ़ते हैं। 71 क्या कह रहा है, 71 कह रहा है खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिल्कुल गलत है, ए फॉल्स है। तो यही ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 72 पर आते हैं हम। 72 क्या कह रहा है, 72 कह रहा है कि जो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेडेंट विथ रेफरेंस टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसके रिगार्डिंग, इसका आंसर है ए। 73 ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच अमंग द फॉलोइंग फॉरमोस्ट फॉर्म अर्लीस्ट, मतलब कह रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बोला जा रहा है कौन सबसे पहले बना था। तो आपको याद है कम्युनिस्ट पार्टी बहुत पहले बन चुका था, बी हो जाएगा। टू इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर क्रिएटेड बाय वही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 74 का डी हो जाएगा, द लेडी कांग्रेस लीडर हु वेंट अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, अरुणा आसफ अली बहुत ज़्यादा फेमस है क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, एक स्लीपर सेल की तरह ये लोग काम कर रहे थे, जो जानकारी एक मतलब स्पाई की तरह ना, स्लीपर सेल मतलब स्पाई की तरह जो बेसिकली खुफिया जानकारी लेके आते थे, अरुणा आसफ अली। 76 आफ्टर द इलेक्शन इन 1937, आफ्टर द इलेक्शन एक मिनट, आफ्टर द इलेक्शन इन 1937 द कांग्रेस मिनिस्टर टेंडर्ड देयर रेजिग्नेशन बिकॉज, ये वही रीजन था कि वर्ल्ड वॉर टू में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना कांग्रेस के संपर्क में भारतीयों को शामिल कर लिया था, डिक्लेयर कर दिया कि भारतीय भी हमारे साथ हैं, इसके कारण इसका आंसर गया ए। 77 क्या, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनी बेसेंट, यहाँ पे ट्रिक होता है, अगर आपसे पूछे पहली महिला प्रेसिडेंट एनी बेसेंट होगी, लेकिन पहली भारतीय महिला पूछ ले तो आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। अच्छा, रमस्से मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड जो था जिसमें बेसिकली कहा गया था सेपरेट लॉटरेट की बात की गई थी, ये वही है। और ये जो थे वो कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज देशबंधु, तो आपको याद है चित्रंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। 80 नंबर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनिकल, वही चीज़ है मैंने आपको सब बता रखा, इसका आंसर बी होगा। सारा कमीशन आपको पता है, पहले साइमन कमीशन आता है, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, फिर गांधी इरविन के बीच में पैक्ट होता है, और फिर पूना पैक्ट होता है 1932 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी, 80 का ऑप्शन बी है। 81 पे हम आ गए, एक मिनट, 81 पे आ गए हम। 81 अगर हम करें, 81 कह रहा है ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल सी आर दास फॉर्म खिलाफत स्वराज पार्टी विद कांग्रेस विथ इन द कांग्रेस विच वॉज लेटर नोन, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। तो ए, और फिर रीजन क्या, स्पेशल कलकत्ता से 1920, यस बिल्कुल सही बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें बताना कौन सा करेक्ट है, बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू ऑफर क्रिसमस, बिल्कुल सही बात है। द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946 हैड नॉमिनी ऑफ द कांग्रेस ओनली नॉट दोज ऑफ द मुस्लिम, गलत बात है। तो ऑप्शन क्या, 82 हो गया, हो जाएगा ए हो जाएगा। 83 में कह रहा है इन द ईयर 1946 हु अमंग द फॉलोइंग ज्वाइन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल विथ फिनांस पोर्टफोलियो, आंसर बी है लियाकत अली खान। 84 का करते हैं, 84 है ड्यूरिंग विच टेन्योर एज द वाइसराय ऑफ इंडिया वेयर द ग्रेट मैट्रियन भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव हैंग्ड, कब होकर, तो उसमें लॉर्ड इरविन थे और इन गांधी जी और जो इनके बीच में पैक्ट हुआ था उसमें ये कहा गया था, पर इरविन ने इस चीज़ को मना कर दिया था। ड्यूरिंग द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल विच अमंग द फॉलोइंग हैपेंड अर्लीस्ट, गया सेशन हुआ था, बी आंसर, आंसर इसका बी है।
सॉरी द रानी झांसी रेजिमेंट द वुमेन रेजिमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज वॉज अंडर हुज कमांड आंसर डी है इसका लक्ष्मी सिंह का 87 पेपर थे 87 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस मीट एट दिल्ली नंबर 19 इसका आंसर महात्मा गांधी महात्मा गांधी को जो ब्रदर्स थे खिलाफत से उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी को ही इसका मेंबर बनाया जाए क्योंकि उनको लगता है कि महात्मा गांधी दोनों को साथ लेके हिंदू मुस्लिम को लेकर चलते थे तो इनकी यूनिटी इन पर फेथ है लोगों का इसलिए इन्होंने महात्मा गांधी को बनाया था हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ कैम्प मिशन रेड क्लिफ ठीक है रेड क्लिफ नहीं थे ऑप्शन सी आप याद रख लीजिएगा कैबिनेट मिशन का मेंबर का चार मेंबर उनका सारे का नाम आप तीन मेंबर तीनों का नाम याद रखना आपको ठीक है होम ऑफ द फॉलोइंग उर्दू पोएट वॉज इन्वाइटेड टू द सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मोहम्मद इकबाल को बनाया गया था 1931 एंड 1932 का जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था उनमें इनको इन्वाइट किया गया था 90 क्वेश्चन नंबर 90 है वॉट इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट अब ये चार इवेंट है चारों इवेंट का सिक्वेंस है 90 क्वेश्चन नंबर 90 है इसका आंसर आपको याद रखना है इसका ऑप्शन आंसर जो है डी है अगला क्वेश्चन है कि व्हेन लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल आप सबको मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पहले गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के और इंडिया के कौन थे लॉर्ड माउंटबेटन 92 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कमीशन एंड कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट इन टू मैसेक्योर रिजालेबल हंटर कमीशन ठीक है हंटर कमीशन कब बनाया गया था जालियांवाला जो बाग हुआ था उसकी जांच के लिए 93 कहता है अक्टूबर 26, 1947 इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेट इन द इंडियन हिस्ट्री बिकॉज ऑफ इसका आंसर है ए 93 हमने कर लिया हाँ 94 पे आ गया 94 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कैबिनेट मिशन वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय पी लॉरेंस आपको याद रखना पी लॉरेंस सॉरी 95 कह रहा है जयप्रकाश नारायण बिलोंग टू विच पार्टी सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे 96 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग शॉट डेड जनरल डायर रिस्पॉन्सिबल फॉर जालियांवाला बाग उद्धम सिंह ने इनको गोली मार दी थी या अभी एक मूवी भी इस पर आया उद्धम सिंह के ऊपर आप देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो तो 96 हो गया 97 में मांगे 97 कह रहा है कि क्विट इंडिया वूमन वॉज लीड बाय महात्मा गांधी कब हुआ था 1942 में हुआ था द मंत्रा डू और डाई महात्मा गांधी ने दिया था कब दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय ही दिया था भगत सिंह राजगुरु सुखदेव वेर हैंग अभी तुरंत मैंने बताया 23 मार्च 1931 को वेयर वॉज द आज़ाद हिंद फौज सेटअप सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का सेटअप कहाँ हुआ था सिंगापुर में क्वेश्चन नंबर 101 हु इज नोन एज लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं क्वेश्चन नंबर 102 है एट द टाइम 102 क्या 102 है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर 1946 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट पोजेस अ वेल डेवलप्ड कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन मैशूर ठीक है आंसर सी एस का 102 का 103 करते हैं द कांग्रेस इन त्रिवकोर लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द दीवान्स ऑफ त्रिवकोर स्टेट हु वॉज सी पी रामास्वामी अय्यर इसका आंसर है ए 104 पे आ गया 104 कह रहा है विच इंसिडेंट लीड गांधी जी टू विदड्रॉ नॉन कॉपरेशन में वही चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ कर दिया था द पूना पैक्ट एम डैट टू सेपरेट लोअर कास्ट यस पूना पैक्ट बेसिकली ये था टू रिप्रेजेंट लोअर कास्ट को बेसिकली गांधी जी ने कहा था ठीक है 18% तक का जो उनका सीट है वो दिया जाएगा पूना पैक्ट साइन हुआ था लेकिन पूना पैक्ट में क्वेश्चन ये बनता है कि पूना पैक्ट 1932 में हुआ था किसकी किसके बीच में तो एक तो आपको पता ही है दूसरा गांधी जी की तरफ से जो थे एक तो अंबेडकर जी हो गए दूसरे जो थे गांधी जी की तरफ से कौन गया थे मदन मोहन मालवीय मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था पूना पैक्ट में ठीक है तो ये पूछता है क्वेश्चन कि जो पूना पैक्ट हुआ था उस पर साइन किसने किया था मदन मोहन मालवीय ने किया था ऑन बिहाफ ऑफ गांधी जी उसमें जेल में थे 106 कहता है ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमीशन 1927 वॉज बिल्कुल सीधा आंसर है डी टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन वेस्टर्न स्टेट्स 107 ये कह रहा है द मस्कोर ऑफ क्राउडेड एट जालियांवाला बाग डैमेज मैंने पहले ही बता दिया आपको 13 अप्रैल 1919 में हुआ था द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन वॉज हेल्ड एट द बैकड्रॉप गांधी जी इवनिंग पैक्ट के बाद हुआ था सी आंसर है इसका ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिखा रखा है आपको महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश कंपेट्रेट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट ये आपको याद रखना इसका आंसर क्या सी है सॉरी आंसर सी है इसका द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस ऑफ एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज
सिंपल सा आंसर है बी सिराज गोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच गए, 111 पे। द चेयरमैन ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द 1935 बिल दैट लीड टू फ्रेमिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 91, इसका आंसर है ए लॉर्ड विलिंगटन। 112 नंबर क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज चर्चिल। जो क्विट इंडिया में चल रहा था उसमें कौन थे, चर्चिल थे। प्रेसिडेंट कौन थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, चर्चिल। 10 112 हो गया ना, 112 हमने कर लिया, चलिए 113 पे आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत ही फ़ायदा करे पेपर में। 113 का आंसर ये है कि विच कांग्रेस प्रेसिडेंट निगोशिएटेड विद बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड अबुल कलाम आज़ाद। क्योंकि जो 1940 के बाद 1946 तक कांग्रेस का कोई सेशन ही नहीं हो पाया था, और इसलिए लगातार एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इसलिए अबुल कलाम आज़ाद ही थे, प्रेसिडेंट रहे थे लगातार, तो सबसे लंबे समय तक कोई भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा है वो भी, इसका आंसर भी अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट 14, हाउ मेनी सीट्स वर गिवन टू डिप्रेस क्लास अंडर द कॉम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट, 71 एंड 447। बी ऑप्शन है, इसको सीधा आपको याद करना है, कुछ समझना ही नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग कैपिटलिस्ट सर्व्ड एज AICC ट्रेजरी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वेंट टू द जनरल, आंसर बी जमनलाल बजाज। ठीक है, एट विच प्लेस बिहार वॉज सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन इंडियन गया में 1922 का सेशन। ठीक है, बिहार में किस जगह हुआ था। ठीक है, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, ये तेज बहादुर सब लोग बहुत ज़्यादा, मतलब गांधी इरविन पैक्ट हो सके, गांधी इरविन की वजह पैक्ट हो सके, इसके लिए तेज बहादुर सपूर ने बहुत ज़्यादा काम किया था। क्वेश्चन नंबर 118 है, वाई डिड महात्मा गांधी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट, इसका आंसर ए है गांधी जी वॉन्टेड टू विन, क्योंकि गांधी जी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता को ये मूवमेंट बढ़ावा देगा। ठीक है, 119 कह रहा है, वाई डिड पीपल गैदर टू डेम, एक मिनट सॉरी 119 कह रहा है, वाई डिड पीपल गैदर टू डेमोन्स्ट्रेट एट जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनरेस्ट ऑफ खिचलू एंड सत्यपाल, यस इनके अरेस्ट के अगेंस्ट ही था। 120 कह रहा है, एट विच प्लेस द ऑफ बिहार गांधी जी द स्टार्टेड चंपारण से हुआ था, आंसर डी है इसका। 121, वैन वॉज रॉयलट एक्ट पास, कब पास हुआ रॉयलट एक्ट, तो आपको याद रखना 1919 में गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1920 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 124 ये कह रहा है द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन, देखो आपको ये सारे इवेंट मैंने ऊपर बता रखे हैं, इसका आंसर सीधा रखिए डी होगा, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। 125 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग टुक ड्यूरिंग बर्न टुक बर्निंग द फॉरेन क्लॉथ्स ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज अ इनसेंसिट वेस्ट, ये बात कहा था रविंद्र टैगोर ने कहा था कि जब जो आप चल रहा था मूवमेंट स्टार्ट हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें फॉरेन क्लॉथ को जलाना ये कहीं ना कहीं एक मतलब वेस्ट मान रहे थे वो, तो वो रविंद्र टैगोर थे। आपको ये देखा, ये भी क्वेश्चन वही है, आपको ऑटम लगाना, इसका आंसर बता दूं मैं, 126 का सी है। 127 कह रहा है, द नेम ऑफ पीरियोडिकल अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका, इंडियन ओपिनियन, बिल्कुल सही है, इसका आंसर डी है। इन विच अमंग द फॉलोइंग डेट सरदार वल्लभ भाई पटेल प्ले अ लीडिंग रोल, बरदोली सत्याग्रह के बाद ही वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी थी, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो है उसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, ए लार्ज क्राउन गैदर इन जलियांवाला बाग एट अमृतसर अप्रैल 13, 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, देख लीजिए। द डेट अप्रैल 6, 1930 नोन इन हिस्ट्री फॉर डांडी मार्च, यस डांडी मार्च इस समय बाय महात्मा गांधी, ये तो सबको पता होगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी वॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर, अहमदाबाद स्ट्राइक हो गया, जहाँ पे गंगा जी ने क्या किया था, भूख हड़ताल किया था, ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। 132 कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड हेयर, तो यहाँ कह रहा है, इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट द ब्रिटिश एंड मुस्लिम इन दर कॉमन हेटर्ड ऑफ कांग्रेस क्लोजर टू इच अदर, यस बिल्कुल सही है। तो 132 का यहाँ देख ले, 132 का है, 132 का दोनों ए हो जाएगा। 133 देखें, 133 जो है, 133 कह रहा है, मैच यहाँ लिस्ट दे रखा
ये दे रहा है किसने किसको ऑफर किया था मैच करना आपको, तो इसका आंसर जो है वो है ए, इसका आंसर ए है। 134 की मैं बात करूँ, 134 विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज गांधी जी नॉट जुड़े, स्वदेशी मूवमेंट से गांधी जी नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, कोई डिनर मूवमेंट पता ही आपको, इंडिविजुअल सत्याग्रह पता ही है आपको, खिलाफत मूवमेंट पता ही है, बचा कौन, डी। तो 134 का आंसर डी हो जाएगा। 135 द मेन रीजन फॉर बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन, मैंने बहुत बात है कि सारे के सारे मेंबर तो कौन थे, इंग्लिश थे, इसलिए इनका विरोध हुआ था साइमन कमीशन। डायरेची वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, मैंने बता चुका हूँ आपको, माउंट फोर्ट रिफॉर्म्स में मॉन्टे। पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर, और ये क्वेश्चन है गांधी जी अम्बेडकर ने साइन, लेकिन गांधी जी जेल में थे इसलिए साइन मजमून मालवीय नहीं किया था। 138 फाइंड द करेक्ट क्रोनिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, ये सेम है, इसका आंसर ए है, 138 का ए। 139 क्या करते हैं, द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक, ये जतिन दास थे, लगभग लगभग 64 दिन का, लगभग लगभग 64 दिन का इन्होंने फास्ट रखा था और इनका डेथ हो गया था जेल के अंदर। 140 कह रहा है होम ऑफ द फॉलोइंग सेड, महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फटून फतून फटूम रेजेज डस्ट बट नॉट द लेवल, ये बी आर अम्बेडकर ने कहा था। द प्रोविनेंस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस कुड नॉट गेट एब्सोल्यूट मेजोरिटी ड्यूरिंग द जनरल, ये असम रीजन में नहीं मिल पाया था कांग्रेस को फुल मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी। इन विच ये वही क्वेश्चन है कि कौन सी घटना कब हुई। 142 का आंसर है सी। 143 है द हिस्टोरिक दांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद वायलेशन ऑफ सॉल्ट लेक, नमक आंदोलन। उसके बाद ये आप कौन सा है, उसके बाद आपका है होम ऑफ द फॉलोइंग डिसाइडेड टू लॉन्च इंडिपेंडेंट पार्टी ऑन 16 दिसंबर 1922, इसका आंसर मैं पहले बता चुका हूँ आपका, इसका आंसर है 2 और 4, 145 पे मांगे, 145 पे है, 145 है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के बारे में ट्रू है, ऑल द सारे के सारे स्टेटमेंट जो है साइमन कमीशन का है, सही है। 146 को हम करते हैं, सॉरी 146 के बाद 146 कह रहा है सेलेक्ट द क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ, वही है सेम है, ऑर्डर बताना है, सारे मूवमेंट मैंने आपको पहले बता रखे, इसका आंसर लिख लीजिए ए होगा। विच अमंग द फॉलोइंग वेयर फाउंड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कौन सा इनमें से, तो इसका देखते हैं आंसर। 147 का जो आंसर है, 147 का है बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 148 विच अमंग द फॉलोइंग वॉज फॉर्म बाय नेहरू बट नॉट फेवर्ड बाय गांधी जी, हैवी इंडस्ट्री, गांधी जी हैवी इंडस्ट्री को भी फेवर नहीं करते थे। 149 नेहरू हैड नो रिगार्ड फॉर उपनिषद नो रिगार्ड हिज एटीट्यूड वॉज साइंटिफिक, देखिए एक गलत है, ऐसा नहीं है कि उपनिषद को नेहरू जी नहीं मानते थे, हाँ लेकिन उनका एटीट्यूड साइंटिफिक था, ये बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर डी होगा। 150 करते हैं, 150 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पाकिस्तानी नेशनल वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न बाय द इंडियन गवर्नमेंट, खान अबुल गफर खान, जिसको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और डंका साहब ही इनको ही कहते हैं, सर डंका साहब इनको नहीं कहते, डंका साहब किसी और कहते हैं, ये पेशावर में बेसिकली लीड कर रहे थे डांडी मार्च को। 151 इन दिल्ली कांग्रेस सेशन ऑन 14 जून 1947 द रिजोल्यूशन फॉर इंडिया पार्टीशन वॉज पास, द सेशन वॉज प्रिसाइडेड ओवर राजेंद्र प्रसाद, सेशन किसी तरह प्रिसाइड किया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 152 हु डिक्लेयर, 152 का है हु डिक्लेयर एवरी ब्लो दैट इज हर्ल्ड ऑन माई बैक विल बी नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये लाला लाजपत राय कहना था, लाला लाजपत राय ने कहा था ये स्टेटमेंट। 153 है हु वेयर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पूना पैक्ट ऑफ 1932 इंडियन डिफेंस के बाद, बिल्कुल सही बात है। 154 का अगर देखिए, 154 क्या है, 154 का है हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस ऑथर थे इंडियन स्ट्रगल बुक का, जो द इंडियन स्ट्रगल ये जो बुक है इसका कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। 155 वेयर इज द वेयर देयर इज अ गोइंग टू बी रिवोल्यूशन हेयर इन इंडिया एंड वी मस्ट गेट आउट क्विक, हु सेड इट, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड वेबल ने ये बात कही थी। 156 है हु वॉज नॉमिनेटेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, ये क्वेश्चन भी आज का पीटी का पेपर दिया होगा उसमें देखा होगा आपने। हु वॉज द नेशनलिस्ट लीडर टू बी इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925, इसका आंसर बी है, मित्तल भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे। तो ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।